हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो। तो आज मैंने बनाया सत्तू के पराठे। तो मैंने सेम स्टफिंग से लिट्टी चोखा भी बनाया था और उसके बचे हुए मसाले से मैंने बनाया यहाँ पर सत्तू के पराठे। ये बहुत बढ़िया हेल्दी ऑप्शन है, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हो, अगर तो शाम को कभी भूख लगी हो तो चाय के साथ भी खा सकते हो। तो सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया गेहूँ का आटा, उसमें डालेंगे अजवाइन, फिर डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी और ऊपर से डालेंगे चुटकी भर नमक। फिर पानी की मदद से इसको हल्का सा यहाँ पर कंबाइन करेंगे और एक टाइट सा डो गूंथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो बारी में आटा गूंदा। पहले मैंने इसको पूरा कंबाइन करा और ऊपर से लगाया घी या फिर तेल। इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और इसके बाद जब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक बार और इसको हल्के हाथों से गूंथ लेंगे। तो चलिए इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने एक बोल लिया, उसमें डाला सत्तू, फिर डाला इसमें कच्चा सरसों का तेल, अजवाइन, अचार, कोई भी आप अचार ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आम का ले सकते हो या मिर्च का ले सकते हो। तो फिर मैंने इसमें डाला प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन कोर के डाला और डाला इसमें मैंने लेमन जूस। जो लेमन जूस इसमें हम डालेंगे वो इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अगर आपको लगता है आपकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा गीली हो रही है तो आप इसमें हल्का सत्तू ऊपर से भी डाल सकते हो पाउडर। फिर यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, मैंने हाथ से ही करे, आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। फिर इसमें स्टफिंग भरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका सत्तू का पराठा चिपक जाएगा या फिर फट जाएगा आलू के पराठे की तरह, कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट डो भी गूदा है और इसका मसाले का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा क्रमली है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ये चिपके। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्के हाथों से पहले चपटा कर लिया और फिर बेलन की मदद से मैंने इसको बढ़िया तरीके से रोटी की शेप में बेल दिया। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो, स्क्वायर में या ट्रायंगल में। तो फिर मैंने यहाँ पर लिया घी या फिर ऑयल, उसको बढ़िया तरीके से दोनों तरफ से सेकेंगे, बढ़िया बढ़िया घी लगा के, अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है। बढ़िया तरीके से दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और आप इसको हरी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ या फिर चाय के साथ इंजॉय करके खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी और शाम के नाश्ते में भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय।